हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। नवंबर 2021 वाले बच्चों के एग्जाम जो है वो आज हो रहे हैं या हो चुके हैं एज द केस में भी। इसका मतलब ये है कि अब जो चढ़ाव अपने को करना है, चढ़ाई जो अपने को करनी है वो करनी है जनवरी 2022 वाले एग्जाम के लिए, जो कि 8 जनवरी को आपका होने वाला है। यहाँ पे मैं CSEET वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो वाले बच्चे जिनका एग्जाम जो है वो जनवरी 2022 में आने वाला है 8 तारीख को। सो बोले काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये बोलना है कि सर, नवंबर 2021 वाले बच्चों के लिए आपने जो प्रिपरेशन करवा के दी है वो हमने अपनी ही आंखों से देखी है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टूडेंट जिनका एग्जाम जो है वो अभी जनवरी 2022 में आने वाला है। तो गाइस हियर वी गो, फाइनली इंतजार की घड़ियां जो है वो आपकी खत्म हो चुकी हैं और यहाँ पे CSCARTINDIA यानी कि इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म जो कि कंपनी सेक्रेटरी के बच्चों के लिए दिलो जान से तत्पर दिन रात 24 घंटे मेहनत जो है वो करते रहता है, वो आपके सामने आपकी बैच जो है वो लेके आ चुका है जो कि स्पेसिफिकली जनवरी 2022 वाले बच्चों के लिए रहने वाली। सर कब से स्टार्ट होने जा रही है ये वाली बैच? तो गाइस ध्यान दीजिएगा, कल से यानी कि 14th of November से, जी हाँ संडे से सुबह 10 बजे से आपकी जो ये बैच है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी YouTube चैनल पे यानी कि CSCARTINDIA जो ये नाम आपको दिखाई दे रहा है जहां पे आप ये वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, इसी चैनल पे ये क्लास को आपका स्टार्ट किया जाएगा जो कि लाइव क्लास आपकी रहने वाली है। सर लाइव का मतलब क्या होगा कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम पे ही आप वहां पे बैठ के क्लास को क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और ये जो बैच आपकी रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपका फिलहाल ये लगा लीजिए कि नवंबर से लेके अगर आप बात करते हैं जनवरी वाले महीने तक, तो कुल मिला के हमारे पास में तकरीबन 2 महीने के आसपास का वक्त जो है वो बोले हमारे पास में है, जिसमें से शेड्यूल कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। अगर मैं रफली यहां पे बात करूं तो सबसे पहले जो 30 दिन आपके यहां पे होंगे उसमें आपका लाइव वाला रेगुलर क्लास जो है वो आपका होगा, जिसमें कि आपके एग्जाम्स होने के 1 महीने पहले तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, राइट, जो कि आपके ICSI ने नोटिफाई किए होंगे या फिर आपके MCA डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किए होंगे या फिर करंट अफेयर्स वगैरह में आए होंगे, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स के साथ में, अपडेट्स के साथ में आपकी जो क्लास है वो यहां पे रहने वाली है 30 डेज के लिए। यानी कि तकरीबन अगर यहां पे बात की जाए कि 14th of November से अगर आपकी बैच यहां पे स्टार्ट हो रही है तो तकरीबन 12th of December के आसपास तक आपका यही शेड्यूल जो है वो रहने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम पे आपकी क्लास जो है वो आप करेंगे, फिर इसके बाद में उसी के साथ जैसे ही आपका एक चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका रहने वाला है लाइव क्विज। So, आपका जो ये CSEET का एग्जाम है ये MCQ बेस्ड होता है, इतना आपको अभी तक समझ में आ ही चुका होगा। तो अब सवाल ये है कि ICSI किस टाइप के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछता है, उनका जवाब आपको आता है कि नहीं आता है, प्रिपरेशन आपकी सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, लाइव क्विज जो उसको ओपन करेंगे। जैसे ही आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हर चैप्टर पे हर सब्जेक्ट में लाइव क्विज जो है आपका होने वाला है अगले 30 दिनों के लिए। फिर उसके बाद में जैसे ही 30 डेज का शेड्यूल आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मेरे भाई ई बुलेटिन। सर ये क्या चीज होती है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका ICSI क्या करता है, आपका ICSI एग्जाम होने के 1 महीने पहले तक, यानी कि अगर मैं जनवरी की बात करूं तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट तक, दिसंबर वाले महीने तक आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं एक्स्ट्रा के नोट्स जो कि आपको ICSI की वेबसाइट पे मिलते हैं। तो वहां पे जो अलग अलग MCQs आपको दिए गए होंगे, वहां पे अगर कोई नया कंटेंट जो है वो अगर आपका ICSI के द्वारा ऐड किया गया होगा उसकी क्लास जो है वो आपकी रहने वाली है 1 हफ्ते के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बारे में बात करूं तो मेरे भाई सबसे पहली प्रिपरेशन जो है एक आपकी यहाँ पे हो जा रही है, फिर इसके बाद में अगर मैं दूसरी प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो उसी 30 दिनों के अंदर अंदर जब आप लाइव क्विज सॉल्व कर रहे होंगे तो सेकंड प्रिपरेशन आपकी तब हो जाएगी, फिर इसके बाद में अगर मैं तीसरी प्रिपरेशन के बारे में बात करूं ई बुलेटिन वाली, अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका होगा, पूरे के पूरे चैप्टर्स जो आपके होंगे वो यहां पे वापस से रिवाइज हो जाएंगे। और फिर मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में अगले 5 दिन जो आपके रहने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं लाइव मैराथन।
सर ये मैराथन में क्या होता है सर? मैराथन में 5 दिनों के लिए आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे, कभी 10 बजे भी हो सकती है, कभी 9 बजे भी हो सकती है। एग्जैक्टली टाइम जो है वो आप अटेंड कर सके क्लास का, इसके लिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि इस चैनल को मेरे भाई अभी से आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाजू में जो आपको बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी आप प्रेस करके रख दीजिए। द रीजन बीइंग कि आपको कौन से टाइम पे कौन से वाली क्लास होने वाली है उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो आधे घंटे पहले ही आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को मैनेज करते हुए अपनी क्लास को मिस नहीं करोगे और टाइम टू टाइम उसको अटेंड करते रहोगे। राइट गाइस, तो मैराथन में क्या रहेगा कि सुबह कौन से टाइम पे क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है ये टाइम फिक्स है, लेकिन शाम को आपकी क्लास कितने बजे खत्म होगी इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट की क्लास शाम को 5 बजे खत्म हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट की क्लास जो है वो रात को 9 बजे तक चलती है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट की क्लास जो है वो रात को 12 बजे तक भी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब यह हुआ कि यहां लाइव मैराथन में हमारा टारगेट यह होता है कि अगर सब्जेक्ट का नाम है लीगल एप्टीट्यूड तो आज के दिन हमें वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करना है। एक ही दिन के अंदर चाहे हमको 10 घंटे बैठना पड़े, चाहे 12 घंटे बैठना पड़े, चाहे 14 घंटे बैठना पड़े, लेकिन वो लीगल एप्टीट्यूड नाम का जो सब्जेक्ट है या कोई भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपका है उसका रिवीजन जो है वो अपना दिन भर में हो जाना चाहिए। राइट, ये 5 दिन आपका यहां पर रहेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो लाइव बूस्टर, सर ये क्या रहता है? इसमें आपका रहेगा वन लाइनर। सर कई बार ऐसा होता है कि एक एक लाइन के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक मैं डेमो आपको दिखाऊं, भाई साहेब ये देखिए एक एमसीक्यू यहां पे बन रहा है कि एडम स्मिथ नाम के अंकल थे जो कि बोले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते थे, तो एमसीक्यू आ सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता था। यहां पर सीधा अगर आपने लाइन पर ध्यान दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एडम स्मिथ थे। राइट, तो एग्जाम जब आपके सर पे आ चुके हैं और ऑलरेडी जब आप यहां पे अगर मैं बात करूं चौथी बार रिवीजन आप कर चुके हैं तो पांचवी बार वो चीज पे जब आपका फोकस रहेगा कि भाई साहेब ये पॉइंट पे ये एमसीक्यू आपका आ सकता है तो प्रिपरेशन आपका यहां पे और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। राइट गाइस, फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं तो लाइव क्विज, सर ये तो हो चुका था ना, वो था चैप्टर वाइज वाला, एक एक चैप्टर के बेसिस पे लाइव क्विज जो है वो आपने अटेंड किया था, लेकिन अब पॉइंट यहां पे आता है फुल कोर्स वाला, यानी कि आपको ये अच्छे से पता है कि भाई साहेब जो आपका फाइनल एग्जाम होगा हर सब्जेक्ट जो है 50 मार्क का आपका पचास मार्क का आपको पूछा जाएगा, तो क्या 50 मार्क का पेपर जो है वो एक साथ बैठ के आप सॉल्व कर पा रहे हैं? पूरे के पूरे कोर्स के ऊपर लाइव क्विज जो है वो आपका यहां पे लिया जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो 6 टाइम प्रिपरेशन जो है वो आपके यहां पे हो जाएगी। और फिर उसके बाद में लास्ट वाला एकदम कहते ना कि एकदम चेरी ऑन द केक वाली जो चीज है वो वाली चीज क्या कि सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं तो जिस दिन आपका एग्जाम आने वाला होगा उसके आसपास में अगस्त 2020, फिर उसके बाद में जनवरी 2021, फिर उसके बाद में मई 2021, फिर उसके बाद में जुलाई 2021 और फिर उसके बाद में नवंबर 2021, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 बीच में एक मैं भूल गया नवंबर 2020, 6 पेपर में जो क्वेश्चंस आपको पूछ लिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन से अपन रूबरू हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस को वहां पे अपन समझ लेंगे कि आईसीएसआई जो है वो फाइनली कितने टफ वाले क्वेश्चंस पूछता है और क्या उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन जो है वो 100% हो चुकी है या नहीं हो चुकी। राइट, तो ये सारा का सारा काम जो है वो आपको यहां पे करवा के दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं स्टडी की बात यहां पे करूं तो कितनी बार स्टडी आपकी हो जाएगी? 7 बार। सर अगर आप इतनी बार स्टडी यहां पे करवा के देने वाले, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो फीस हमसे चार्ज करने वाले होंगे वो तो सर कई हजारों में होगी। हमारे आस पड़ोस में हमने सुना है कि सीएसडब्ल्यूटी की क्लास करवाने के लिए कोई 10,000 रुपए लेता है तो कोई 20,000 रुपए लेता है, तो कहीं कहीं रिमोट लोकेशन में 40,000 रुपए जो वो भी लिए जाते हैं। आप अगर इतना करवा के दे रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी 40,000-50,000 रुपए की फीस जो है वो चार्ज करने वाले। तो गाइज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी पेज पे सबसे ऊपर जो एक वर्ड लिखा हुआ है कौन से वाला? फ्री। CSEET की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए आपसे 1 सिंगल रुपए की फीस जो है वो CSCARTINDIA कभी चार्ज नहीं करता है। अगर पुराने वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नवंबर 2020 या उसके पहले जुलाई 2021
या उसके पहले मई 2021 उनके एग्जाम्स दिए हैं और प्रिपरेशन सीएसकार्ट इंडिया के साथ में किया है, उन लोगों से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज इस बात के बारे में बताइएगा कि क्या यहां जो मैंने बातें कही हैं शुरू से लेके आखिरी वाली बातें, सेवेंथ नंबर तक की जो बातें मैंने कही है, क्या ऐसा कमिटमेंट अगर हमने किया था तो हमने निभाया है या नहीं निभाया, और क्या उसके लिए एक सिंगल रुपए की भी फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ी है क्या, राइट गाइस। और सभी बच्चों का जवाब जो है मेरे हिसाब से यही आने वाला है कि सर हमने जब सीएसकार्ट इंडिया की फैमिली को ज्वाइन किया तब हमें इस बात का भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन टिल द एंड जब चीजें उसी तरीके से हुई तो कॉन्फिडेंस जो था वो हमारा सातवें स्थान पे था और उसके बेसिस पे एग्जाम हमने दिया और आराम से पास जो है वो भी हो गए। गाइस ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सर क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई कि आपको यहां पे क्वालिटी वाला कंपनी सेक्रेटरी जो है ये बनना है, दैट्स इट। ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो रहना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपको ध्यान ये देना होगा कि मैं नॉलेज को हासिल करूं और इनडेप्थ वाला नॉलेज जो ना मैं उसको हासिल करूं। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरे पास में डिग्री आ जाए, अभी मैं पहले सीएसडब्ल्यू को पास कर लूंगा, कैसे बस कैसे तो भी हो जाए, अगर एग्जाम में जवाब नहीं आ रहा तो चीटिंग कर लूंगा, चीटिंग करके मैं पास हो जाऊं, फिर बोले एग्जीक्यूटिव पास हो जाए, फिर उसके बाद प्रोफेशनल पास हो जाए और डिग्री मेरे पास आ जाए, बाकी बोले बाद में मैं अपना आप देख लूंगा। गाइस मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर ये सोच के साथ में आप सीएस में एंटर हुए होंगे तो मेरे भाई गलत जगह पे आप आ चुके हो। बट अगर आप ये सोच के चल रहे होंगे कि मुझे एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनना है, एक क्वालिटी वाला सीएस बनना है, तो ऐसे केस में सीएस जो होगा, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जो होगा, ये कोर्स आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला, गेम चेंजर वाला कोर्स जो है ये आपका बनने वाला है। बस मुझे आप लोगों से इस कमेंट सेक्शन में यही एक कमिटमेंट चाहिए कि प्रवीण सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और क्वालिटी नॉलेज जितना आप हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वो सारा का सारा नॉलेज जो है वो हम हासिल करेंगे और सिर्फ सीएसडब्ल्यू को पास नहीं करेंगे बल्कि सीएसडब्ल्यूटी को बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करके हमें क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बनने वाले। अगर आप सभी लोगों को सीएसकार्ट इंडिया के जो एफर्ट्स है वो पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। और सर ये कमिटमेंट मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में आपका ये कमिटमेंट जो है वो आना चाहिए कि यस सर हम करके दिखाएंगे, सीएसडब्ल्यूटी बहुत ही अच्छे मार्क्स से हम पास करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या सीएसकार्ट इंडिया का टेलीग्राम चैनल है? अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे वहां जाके सीएसकार्ट इंडिया अगर सर्च करेंगे तो चैनल जो है वो आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो क्यों ऐसा? द रीजन बीइंग कि आपकी क्लास का टाइमिंग, आपकी क्लास का शेड्यूल आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अलावा जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पे भी आएगा, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसका जो लिंक रहेगा वो आपका टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा और आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा वहां पे भी आपको मिलने वाला है। गॉट द पॉइंट? बस यहां पे मुझे आप लोगों से यही चीज चाहिए कि हम साथ में मिलके इस बात का प्रण लेते हैं कि अब से लेके जब तक के 8 जनवरी तक हमारा एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक के हम चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। और ईमानदारी से जितना काम करने के लिए कहा जाएगा, जितनी पढ़ाई करने के लिए हमें कहा जाएगा, उतनी पढ़ाई जो है वो हम यहां पर करने वाले। गाइस टाइम जो है वो नोट कर लीजिएगा, टाइम आपका 14th ऑफ नवंबर से, यानी कि ये जो आपका संडे है, सुबह 10 बजे से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये टाइम को नोट कर लीजिए और उसके बाद में शहर में भी ढिंढोरा पिटवा दीजिए मेरे भाई। कोई भी चीज अगर अच्छी वाली चीज होगी तो उसके बारे में हमें बताना चाहिए हर किसी बंदे को, ताकि सिर्फ हम नहीं बल्कि वो लोग भी इसका फायदा ले सके जिन लोगों को इस चीज की सख्त वाली जरूरत है। तो जो भी आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आपका स्नैपचैट है, आपका व्हाट्सएप है, इन सब के स्टेटस पे, इन सब के स्टोरी पे इस बात को, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए और शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली जो है 8 जनवरी को होने वाले इस सीएसडब्ल्यू के एग्जाम को मिलकर क्या करने वाली है, तोड़ने वाली है। जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं, राइट गाइस। चलिए सर, सो मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।